नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा ही पिछले कुछ पाठों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि दशा, ग्रहों की दशा में, महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा का फल कैसे होता है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि मंगल की महादशा हो और उसमें गुरु की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मंगल की महादशा हो और उसमें शनि की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। शनि की अंतरदशा, अगर किसी की शनि की अंतरदशा चल रही है और मंगल की महादशा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, तो उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि उनका शनि कहाँ स्थित है और क्या उपाय उनको करने चाहिए। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ऋषि पाराशर जी ने बहुत ही सामान्य रूप से, या जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही सिंपल वे में बताया है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, कि शनि की अंतरदशा चल रही हो और मंगल की महादशा हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। अब इसमें ये कहते हैं, कुछ स्या अंतर्गते मंदे स्वरक्षे केंद्र त्रिकोण गे मूल त्रिकोण केंद्रे व तुंगाशे स्वांशे सती। मतलब क्या हुआ इसका? कुछ स्या अंतर्गते, कुछ यानी कुछ माने मंगल, मंगल की दशा के अंतर्गत यानी मंगल की महादशा हो और उसके अंतर्गत मंदे, मंदे मीन्स शनि, क्योंकि शनि सबसे मंदगामी ग्रह है तो शनि को मंदे बोला जाता है। तो शनि की अंतरदशा हो और शनि कहाँ हो? स्वरक्षे केंद्र त्रिकोण गे, स्वराशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मूल त्रिकोण केंद्रे, मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च राशिस्थ हो, तुंगाशे, तुंगाशे मीन्स उच्च राशि में होना, तुंगाशे उच्च राशि में होना, स्वांश गे सती, स्वांश के मीन्स के अपने ही नवांश में। देखिए, इतनी चीजें होनी जरूरी है, मंगल की महादशा हो और उसमें शनि की अंतरदशा हो। तो शनि अगर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में है, या मूल त्रिकोण राशि में है, या स्व राशि में है, और स्व राशि में या मूल त्रिकोण राशि में या मित्र राशि में होके अगर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है तो बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है? लग्नाधिपति ना वापी शुभ दृष्टि युतिक्षति। और इसके साथ साथ शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, इसके साथ साथ शुभ दृष्टि युतेक्षिते, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसे में राज सौख्यम यशो वृद्धि, यानी राजा का सुख मिलता है, राज्य का सुख मिलता है, यश की वृद्धि होती है। राज्य का सुख मिलता है तो मतलब आप लगा सकते हैं कि धन धान्य की वृद्धि होती है, मकान वाहन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, यश बढ़ता है इंसान का, चारों तरफ नाम फैलता है, नेम और फेम होता है, स्वग्रामे धान्य वृद्धि, धन की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र समायुक्त हो यानी संतान की प्राप्ति होती है, गोधन संग्रह, ग्रहे गोधन संग्रह, ग्रहे मीन्स घर, घर की प्राप्ति होती है, गोधन संग्रह गायों की प्राप्ति होती है। पहले जमाने में गायों की प्राप्ति होना या पशुधन की प्राप्ति होने को बहुत अच्छा माना जाता था, तो आजकल हम ले सकते हैं कि डिफरेंट वाहनों की प्राप्ति होती है या डिफरेंट लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति होती है। स्वारे राज सम्मानम स्वमासे पुत्र वृद्धि, और ऐसे में राज सम्मान मिलता है और पुत्रादि का जन्म होता है। तो ये ध्यान रखना है कि शनि यदि स्व राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मूल त्रिकोण में या उच्च राशि में हो, तो लग्नेश या शुभ ग्रह अथवा दृष्ट हो, इनसे दृष्ट हो, लग्नेश या शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो शनि की अंतरदशा में जातक को राजा से सुख मिलता है, यश की वृद्धि होती है, अपने घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि सौख्यम का सुख मिलता है, पशु वृद्धि होती है, शनिवार के दिन राज सम्मान एवं शनि के माह में पुत्रादि का जन्म होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नीचादि क्षेत्र गे मंदे तथा अष्ट व्यय राशि गे। ये क्या मतलब हुआ? नीचादि क्षेत्र गे मंदे, यानी नीच क्षेत्र में हो, यदि शनि नीच राशि में हो, मंदे मीन्स शनि, तथा अष्ट व्यय राशि गे, यानी अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, व्यय भाव और अष्टम भाव, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो मलेच्छ वर्ग प्रभु भयम धन धान दि नाशनम निगड़े बंधन व्याधिरंते क्षेत्र निवास कृत। तो इसमें कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि शनि नीच राशि में है और अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो शनि की अंतरदशा में यवन राज से भय, यानी चोरों से भय रहता है, यमराज से भय रहता है, धन धान्य का नाश होता है, जेल जाना पड़ सकता है, रोग होते हैं एवं कृषि कार्य जितनी भी एग्रीकल्चर की सिस्टम आपके हैं उनकी हानि होती है। तो ये बहुत
जरूरी है देखना कुंडली में कि कहीं शनि नीच राशि में और आठवें या बारहवें भाव में लगन से तो नहीं बैठा है। इसके अलावा कहते हैं द्वितीय दुन्नाते तुपापयुते मद भयम धन नाशस्य संचारे राज द्वेषो मनोव्यथा। यदि शनि द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो, यदि शनि सेकंड लॉर्ड हो और सप्तम भाव का स्वामी हो तथा पाप ग्रह युत हो तो क्या होगा? तो शनि की अंतरदशा में चौराग्नि नृप पीड़ा चाहे सहोदर विनाशनम, सहोदर विनाशनम मीन्स के भाइयों का हानि होती है, नृप पीड़ा, नृप मीन्स राजा, राजा से पीड़ा मिलती है यानी गवर्नमेंट से पेनल्टी मिल सकती है, अपनी कंपनी के अंदर पीड़ा मिल सकती है, डिमोशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, स्त्री की प्रॉब्लम हो सकती है, चोर व अग्नि से भय हो सकता है, जीवन की हानि हो सकती है, जीव हानि निश्चिते जायते, अकस्मात अकस्माने मृत्ये वीरति पुत्र दार आदि पीड़नम, यानी अकस्मात मृत्यु का भय हो सकता है और संतान आदि को पीड़ा हो सकती है, पुत्र दार आदि पीड़नम, संतान और दारा बोलते हैं पत्नी को, संतान और पत्नी को पीड़ा हो सकती है, कारागृह भीतश्च कारागृह की जेल में जाने का भय रहता है और राजदंड मिल सकता है यानी वही राजदंड का महाभय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो शनि का द्वितीयेश या सप्तमेश अगर हो और पाप ग्रह से युत हो तो शनि के अंतरदशा में जातक को महाभय, यात्रा के दौरान धन नाश, राजकोप, मानसिक व्यथा, चोर एवं अग्नि भय, राजा से पीड़ा, सहोदरों का विनाश, मित्र द्वेष, पशु हानि और अकस्मात मृत्यु भय, पत्नी व पुत्र को पीड़ा, जेल जाने का भय तथा राजदंड के कारण महाभय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए उन्होंने क्या बताया है? इसके लिए ये कहते हैं, आगे बोलते हैं इसी के साथ साथ, दायश्चिदा केंद्र राशिस्ते लाभस्ते वा त्रिकोणगे। शनि यदम महादशा स्वामी से दायशे दा केंद्र राशिस्ते लाभस्ते वा त्रिकोणगे विदेश यानम लब्ते दुष्कीर्तिर विरुद्धा तथा पाप कर्म रतो नित्यम बहु जीवादि हिंसक विक्रय क्षेत्र हानिश्च स्थान भ्रंशो मनोव्यथा रणे पराजय मूत्र कच्छादि मैन भय। ये क्या बोलते हैं इसके अंदर? इसमें ये बोलते हैं कि शनि यदि महादशा स्वामी से, यानी जो मंगल जिसकी महादशा है, उससे केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या एकादश भाव में हो या पंचम भाव में स्थित हो, मतलब सीधी सी लगा लीजिए कि शनि यदि महादशा स्वामी से, अगर लगन से केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत बढ़िया है, पीछे रिजल्ट हमने बताया है इसके अंदर, लेकिन अगर महादशा स्वामी से यानी मंगल से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में हो तो शनि के अंदर दशा में विदेश यात्रा, मतलब विदेश यात्रा पहले जमाने में तो अच्छी मानी जाती, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, आजकल अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि असफल विदेश यात्रा, यानी विदेश आप गए लेकिन कोई काम नहीं बना, तो शनि के अंतर दशा में असफल विदेश यात्रा, अपयश, नाम में हानि, पाप कर्म में प्रवृत्ति और कुकर्म में आसक्ति हो सकती है, भूमि विक्रय से हानि हो सकती है, अगर आप अपनी जमीन बेचते हैं, विक्रय क्षेत्र हानिश्चय, क्षेत्र मीन्स भूमि, विक्रय मीन्स बेचना, अगर अपनी भूमि को बेचते हैं तो आपको हानि में अपनी भूमि बेचनी पड़ सकती है, स्थान भ्रंशो मनोव्यथा यानी स्थान छोड़ना पड़ता है, मन में व्यथा रहती है, रणे पराजय, रणे पराजय मीन्स कि युद्ध में पराजय होती है और मूत्र कृच्छ रोग आदि रोग का भय होता है। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में तो हो, परंतु महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में शनि स्थित ना हो, अगर ऐसा होगा तो शनि के अंतरदशा में विदेश यात्रा, अपयश, पाप कर्म में प्रवृत्ति, कुकर्म में आसक्ति, भूमि विक्रय से हानि, मानसिक व्यथा आदि हो सकती है। इसकी शांति के लिए भी उन्होंने बताया, फिर वो लिखते हैं दायशादत रंध्रस्ते व्यय पाप संयुक्त तद भुक्तो मरणम गेयम नप चौरादि पीड़न। ये क्या बोलते हैं? दायशादत रंध्रस्ते यानी जो महादशा स्वामी है, यदि शनि उससे रंध्रस्ते मीन्स अष्टम भाव में हो या व्यय भाव में हो, पीछे बताया कि महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो तो प्रॉब्लम क्या थी, अब यह है कि शनि महादशा स्वामी से अष्टम भाव में हो या बारहवें भाव में हो और पाप संयुते पाप ग्रह से संयुक्त हो, तद भुक्तो मरणम, क्या बोलते हैं? तद भुक्तो मरणम गेयम नप चौरादि पीड़नम, यानी राजा का भय होता है, राजा से पीड़ा मिलती है, मरण लाइक कष्ट होता है, नृप चौरादि पीड़नम यानी नृप के नृप मीन्स राजा, राजा से पीड़ा प्राप्त होती है, गवर्नमेंट से पीड़ा प्राप्त होती है, अपनी कंपनी के कंपनी से पीड़ा प्राप्त होती है, जहां आप काम करते हैं, जहां भी जिस तरह के नेचर का वर्क आप कर रहे हैं वहां से आपको नाश देखने को मिलता है, वात पीड़ा चाहे शूलादि,
वात पीड़ा होती है। ज्ञाति शत्रु भयं भवेत्, शत्रु से भय होता है। तद दोष परिहार्थ है, ऐसे दोष का परिहार करने हेतु, तद दोष परिहार्थ है, ऐसे दोष का परिहार करने हेतु मृत्युंजय जप चरेत, यानी मृत्युंजय का जप करना चाहिए। तत् सुखमवापिनोति शंकरस्य प्रसादतः, अगर महामृत्युंजय का या मृत्युंजय का जप करेंगे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा एवं सुख और शांति मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शनि महादशा स्वामी से अष्टम या द्वादश भाव में ना हो। अगर ऐसा है तो शनि की अंतर्दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, राजा चोर आदि से भय होता है, वात रोग से पीड़ा होती है, शत्रु से भय होता है, और ऐसे में अनिष्ट निवारण के लिए मृत्युंजय जप से भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं सुख और शांति मिलती है। तो ये था मंगल में शनि की अंतर्दशा के बारे में। आपकी जो जहां शनि की स्थिति हो उसके हिसाब से एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करके फिर उसके हिसाब से आप रेमेडीज वगैरह ले सकते हैं। तो आगे मैं दूसरे ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा मंगल में, और जहां तक आपको समझ आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ समझ आया, तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग भी क्लास में इंटरेस्टेड हों एस्ट्रोलॉजी की, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।